मनुष्य का मन साफ होना चाहिए, पूजा पाठ आदि तो ये सब बाहरी दिखावे हैं और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपने भी ऐसी बातें अवश्य सुनी होगी। जब लोग श्री रामचरित मानस की चौपाई को ही बीच में रख करके इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि बस मन साफ हो, बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो आप समझिएगा ये बात बिल्कुल सत्य है कि मन साफ हो जाए, निर्मल मन हो जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस जीवन की। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि व्यक्ति अस्वस्थ हो तो पहले वो स्वस्थ हो जाए उसके बाद उसे दवा दी जाए? नहीं, जब उसे दवा मिलेगी, वो दवा लेगा, तभी वो स्वस्थ होगा। तो भगवान के पूजा से, भगवान के भजन से ही ये मन निर्मल होगा। और आगे की चौपाई पर भी आपको अवश्य ध्यान देना होगा कि निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मुहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे कपट छल छिद्र ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मन निर्मल केवल कहने के लिए नहीं होना चाहिए कि हम खुद से इस बात का सर्टिफिकेट तैयार कर ले, मेरा मन साफ है, ये बात बिल्कुल उचित नहीं है। मन में जब तक कपट है, दंभ है, द्वेष है, तब तक मन की निर्मलता संभव नहीं है, और स्वयं के प्रयास से ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, प्रभु की कृपा से ये कार्य संभव है। तो हम क्या करें, उन्हीं प्रभु का भजन करते रहें और प्रार्थना करें कि वो हमारे मन को शुद्ध कर दें, वैसा बना दे जैसा मन उन्हें पसंद है। जय श्री राम।